हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संजय प्रिया ब्लॉग्स में। और जिस किसी भाई ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और हमें आज निकलना है चिरमिरी के लिए। और देखिए मैडम सो रही है और स्कूल जाना है इसे 9:30 बजे। अभी बज रहे हैं 8:30, अभी तक ये ना नहाई है, ना रेडी हुई है, ना नाश्ता की है। और फिर जब टाइम होगा तब हड़बड़ाएगी, फिर बोलेगी मेरे को लेट हो गया, मेरा नाश्ता नहीं मिला, फलाना नहीं मिला, ठिकाना नहीं मिला। तो अभी हम जा रहे हैं नहाने धोने, उसके बाद फिर नाश्ता पानी करके फिर उसके बाद 2:30 बजे अपन यहाँ से निकलेंगे। तो दोस्तों, प्रिया जा रही है स्कूल और मैं उससे कल अभी छोड़ने आया हूँ और आज ही छोड़ रहा हूँ, पीछे खड़ी है, क्योंकि कल से तो मैं नहीं रहूँगा। और मौसम काफ़ी अच्छा है तो आना है, क्योंकि रात भर यहाँ पानी गिरा और लाइट भी गोल है। तो मोबाइल की बैटरी थोड़ा सा डाउन है, जब तक चल रहा तब तक कुछ ना कुछ मैं शूट कर ही लूँगा। तो प्रिया जी अभी स्कूल जा रही है, तो अपने सब्सक्राइबर लोग को आप कुछ बोल दो। गुड मॉर्निंग। और आप अच्छे से रहिएगा, टाइम से जाइएगा और खाना पीना सही टाइम से, ओके है ना। और मुझे मतलब सुबह शाम दिन रात 24 घंटा फ़ोन आना चाहिए फ्री टाइम में, है ना। नहीं तो फ्री टाइम में मैं बोला कि फ्री टाइम में मुझे फ़ोन आना चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से जाइएगा और इसके आँख में हल्का हल्का आंसू आते हुए, कल मैं इसका शूट नहीं कर पाया नहीं तो मैं आपको दिखाया। तो चलिए हम वेट कर रहे हैं सर का, सर के साथ ये स्कूल जाएगी। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं मैनपुर के बस स्टेशन में। तो गाइस, हमारा जो बस है वो करीबन 2 बजे है और यहाँ से हम रायपुर जा रहे हैं, रायपुर से फिर बिलासपुर जाना है। तो बस का वेट कर रहे हैं, 2 बजे अपना बस आएगी, उसमें अपन बैठ के रायपुर निकल रहे हैं। और प्रिया तो स्कूल गई है, प्रिया से मुलाकात तो नहीं हो पाया है। तो ठीक है गाइस, बस का हम वेट कर रहे हैं, फिर मैं आपको आगे का अपडेट बताता हूँ। तो दोस्तों, आज है सोमवार और सोमवार को यहाँ मार्केट लगा हुआ है और आज पहली बार मुझे देख लग रहा है कि यहाँ पब्लिक है, क्योंकि बाकी टाइम यहाँ पास पब्लिक नहीं दिखता है, लेकिन आज फिलहाल यहाँ पब्लिक दिख रहा है। और ये जस्ट हमारे सामने थाना है मैनपुर का, और थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ इस प्रकार आज यहाँ मार्केट है सोमवार को। तो आज यहाँ हल्का पब्लिक देखने को मिला और हमारी बस अभी तक नहीं आई है, उसी का हम वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम बैठ चुके हैं बस में और अभी यहाँ से जा रहे हैं रायपुर। अरे भाई साहब, दोस्तों आप पिछले ब्लॉग में देखे होंगे कि ये लक्ष्मण झूला, जो पिछले ब्लॉग में देखे होंगे कि बाढ़ का सैलाब था, पानी था, और आज देखिए पूरा आपका कुछ ही नहीं दिख रहा है, सिर्फ आपका रेत हल्का फुल्का पानी दिख रहा है। और उस समय कितना। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं बिलासपुर रेलवे स्टेशन में और हमारी गाड़ी चिनगिरी बिलासपुर या बोले बिलासपुर चिनगिरी 12 बजे है यहाँ से। और रायपुर से करीबन हमको मिला था 7 बजे, हमारा ट्रेन वहाँ से निकला रहा और बिलासपुर 10 बजे करीबन आया। हाँ, आने के बाद इधर उधर ताम ठाम टिकट वगैरह ये सब करते करते अभी थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ। और जैसे हमारी ट्रेन आती है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ।
हमारी ट्रेन स्टेशन में लग गई है और हम जा रहे हैं अपने कोच में। तो चलिए गाइस चलते हैं और देखते हैं हमारा सीट कहाँ पर है। अरे भाई साहब, मेरे दोस्तों कुछ मेरे सब्सक्राइबर मिल गए थे स्टेशन में, तो वो मुझे देख के पहचान गए, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि चलो गाइस कुछ लोगों के पहचान में तो मैं आया और मैं आपको दिखाता हूँ उन लोगों को। तो हम निकल चुके हैं रायपुर से चंदेरी के लिए और हमारी ट्रेन छूट चुकी है और काफ़ी दोस्तों मैं थक चुका हूँ, दे रहा है क्योंकि इतना सफ़र करते करते दिमाग खराब हो जाता है। तो गाइस अपन आए थे 3 और जा रहे हैं, तो प्रिया वहीं छूट चुकी है, अब वो वहीं रहने वाली है। तो गाइस मैं ये आप लोग से बात करता हूँ कि मैं बहुत थक चुका हूँ, तो अब मैं जा रहा हूँ सोने। तो दोस्तों हमारा सफ़र कुछ इस प्रकार था, ऐसे ऐसे जाना और ऐसे ऐसे आना। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ सोने, तो मिलते हैं चिरमिरी स्टेशन में 6 बजे। 6 बजे गुड नाइट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हम चंदेरी पहुँचने वाले हैं और यहाँ का भी काफ़ी मस्त सुहाना सा मौसम है, बादल बादल किया है, हल्का सुहावन चल रहा है और बहुत बेहतरीन मौसम है। और अपने जगह पहुँच के जो शांति मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता। आप चाहे कहीं भी रहो लेकिन आप अपने जगह आके जो शांति मिलता है वैसा शांति आपको कहीं नहीं मिलेगा। रात की नींद अच्छी आई क्योंकि थक चुका था मैं, तो इसलिए नींद अच्छी आई। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और हम जस्ट 10 मिनट में पहुंच जाएंगे चिरमिरी स्टेशन। दोस्तों सामने आप देख पा रहे होंगे कोयले जो आपको दिख रहा होगा वो है चिरमिरी साइड। देखिए ये है चिरमिरी साइड और ये भैया लोटा लेके खड़े हुए, और देखिए वो है सामने चिरमिरी साइडिंग जहाँ मेरा रैक लगता है मेरी कंपनी का। और ये हम आ गए चिरमिरी पश्चिम। गाइस बहुत बेहतरीन लग रहा है चिरमिरी पश्चिम, और हमारी ट्रेन चिरमिरी स्टेशन में घुसते हुए इस प्रकार। और यहाँ का जो व्यू देखिए दोस्तों, क्या बेहतरीन व्यू है। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं चिरमिरी और कुछ ही देर पश्चात ट्रेन रुकेगी, तो हम चिरमिरी की धरती पर कदम रख चुके होंगे। तो चिरमिरी आके बहुत अच्छा लग रहा है, सारा थकान दूर हो जाता है यहाँ के, क्योंकि आप कहीं भी रहो आप अपने जगह जाके जितनी शांति आपको मिलेगी वो शांति आप कहीं भी रहो वो नहीं मिलेगी। तो दोस्तों रेलवे स्टेशन हमारा चिरमिरी के आते हुए, और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हम अपने जगह आ चुके हैं, अपने चिरमिरी जन्नत में आ चुके हैं, अपने चिरमिरी शहर में आ चुके हैं, चिरमिरी ज़िला में आ चुके हैं। और मैं क्या व्यक्त करूँ अपने दोस्तों, ये सफ़र यादगार रहेगा जो भी 14-15 तारीख जो चालू हुआ था और आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो दोस्तों ओवर ब्रिज
होते हुए और हमें उस ओवर ब्रिज से क्रॉस होना है। काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी सुनसान है, तो चलिए आ चुके हैं, उतर भी चुके हैं अपने धरती पर। अब देखते हैं घर जाने का जुगाड़, तो फ़ोन किए हैं, आ रहे हैं भैया लेने, तो मैं आपको घर जाके मिलता हूँ। ये हमारे भैया सुबह सुबह उठते हुए, 5 बजे कभी उठे नहीं है लेकिन आज आ रहे हैं उठ के लेने के लिए। तो नील गाइस, मैं अपने घर के बाहर आ चुका हूँ और मेरी माँ अभी तक सो रही होगी, तो चलिए जगाते हैं। टन 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 दोस्तों, ये मेरा गेट।